भारतीय जनता पार्टी से हरेंद्र तेवतिया जी, राजीव तरारा जी, महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, जिलाध्यक्ष लोकदल रविंद्र चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष शाहपुर श्रीमती रेखा नागर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरोहा श्री ललित तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और अन्य सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में गढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बासंती नवरात्रि की प्रथम तिथि है। भारत के नव संवत्सर विक्रम संवत 2081 की प्रथम तिथि, इसकी आप सबको मैं बधाई देते हुए आप सभी का मैं मोक्षदायिनी मां गंगा की कृपा से जिस गढ़ विधानसभा क्षेत्र को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक तीर्थ आपके जनपद में है, आपकी इस विधानसभा में है, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पूरे देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, इस चुनाव के बारे में पहले से ही लोगों के सामने पहले से ही लोगों ने अनुमान लगा लिया है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो परिणाम के बारे में प्रत्येक नागरिक आश्वस्त है। लेकिन चुनाव की एक औपचारिकता के कारण हम सब आपके बीच आए हैं कि आपका आशीर्वाद जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, अब इसमें केवल एक औपचारिकता नहीं होनी है बल्कि हमारी बढ़त विरोधी पार्टियों पे कितनी ज्यादा हो सकती है उस बढ़त के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है, एक नई स्पर्धा खड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं मैं जिस भी लोकसभा क्षेत्र में जाता हूं वह लोकसभा क्षेत्र में लोग यही कहते हैं कि साहब हमारी बढ़त की शुरुआत 5 लाख से शुरू हो जाएगी। जहां जा रहा हूं, कल मैं महाराष्ट्र में था, परसों मैं राजस्थान में था, कल मुझे जम्मू कश्मीर रहना है। चारों ओर एक ही आवाज, और आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। देखो भाइयों, मोदी सरकार को क्यों जनता लाना चाहती है, इसके पीछे कारण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। अब तो कोई पटाखा भी तेजी से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं नहीं हमने नहीं फोड़ा है, इतना भय हो गया इसे। दुश्मन को इतना भय हो गया है कि वह इससे डर जाता है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, और नया भारत बोलता नहीं है, घुस करके मारता भी है। और बहनों भाइयों, आज नए भारत में हम सब देख रहे हैं, नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद भी समाप्त, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य देश के अंदर हो रहा है आप सबके सामने है, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेस हाईवे, गंगा एक्सप्रेस वे यहीं से होके जा रहा है।
यानी हापुड़ की दूरी को मात्र 6 घंटे में प्रयागराज। बहनों भाइयों, ये एक्सप्रेस हाईवे केवल कनेक्टिविटी को ही बेहतर नहीं करेगा, यहां की इकोनॉमी की रीढ़ का काम भी करेगा, यहां की इकोनॉमी की रीढ़ का काम, आर्थिक प्रगति के नए सोपान स्थापित करेगा। आईआईटी बन रहे हैं, आईएम स्थापित हो रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, नई नई यूनिवर्सिटी बन रही है। हमने मुरादाबाद में भी एक विश्वविद्यालय दिया है, मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिया है, हर एक स्थान पर कुछ नए कार्यक्रम हो रहे हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जनता की जरूरत के अनुरूप विकास के कार्य, हर घर नल की योजना हो या फिर जनता की आवश्यकता और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ गरीबों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है देश में, अगले 5 वर्ष तक मिलेगा। 14 के पहले गरीब भूखों मरता था, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर है। पहले कोई बीमार हो जाता था, तड़प तड़प करके पूरा परिवार तबाह हो जाता था, कहीं ना हॉस्पिटल में उपचार होता था, न कहीं से सहायता मिल पाती थी, सगे संबंधी भी छुटकारा पा लेते थे। 50 करोड़ गरीबों का जनधन अकाउंट खुला है, सरकार का कोई भी पैसा गरीब के खाते में सीधे जाता है। और बहनों भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के मकान, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के फ्री में कनेक्शन, ये जो कार्य हो रहा है, गरीबों का उत्थान हो रहा है, क्या किसी की जाति देखी गई क्या, किसी का मत और मजहब देखा गया क्या? ये तो एक ही मंत्र था, सबका साथ सबका विकास, विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। हम विकास सबका करेंगे लेकिन चेहरा देख करके नहीं देंगे। योजनाओं का लाभ व्यक्ति के आधार पर नहीं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, जरूरत के अनुसार जो जरूरतमंद होगा उसको शासन की योजना का लाभ मिलेगा। बहनों और भाइयों, यही नहीं, आप तो देखते होंगे अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, क्या ये काम सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या इनके बस का था क्या? और ये जो लोग यहां दंगा भड़काते थे, कर्फ्यू लगाते थे, आज तो कर्फ्यू नहीं लग रहा है ना, आज कर्फ्यू नहीं है, आज तो धूम धड़ाके के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकलती है। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा निकलती है तो देश देखते रह जाता कि करोड़ों लोग कावड़ यात्रा में जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो देखने को मिला है, अयोध्या में रामलला का 500 वर्षों के बाद विराजमान होना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा का निकल जाना, दंगा मुक्त प्रदेश का हो जाना, जिस प्रदेश में पहले उपद्रवी और अपराधियों के भय से बेटी दूर के रिश्ते में पढ़ने के लिए भेज दी जाती थी, व्यापारी व्यापार करने से डरता था, जिन अपराधियों के भय से होता था उनको पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था, आज अपराधी गले में तख्ती लटका के घूमता है कि भैया मैं ठेला बेचकर, ठेला में ठेला लगाकर, ठेले लगा करके मैं पेट भर लूंगा लेकिन जान भस्म हो जाएगा। बहनों भाइयों, ये तो माहौल बदला है,
ये सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने अच्छी सरकार को चुना है। आपका एक वोट इसका हकदार है, एक वोट। जब वोट आपने सही जगह दिया तो सही कार्य हो रहे हैं, अपराधी ठिकाना लगाए जा रहे हैं, गरीबों का कल्याण हो रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बेटी और व्यापारी दोनों को सुरक्षा मिल रही है, आस्था का भी सम्मान हो रहा है। जब गलत लोगों को चुनते थे, दंगा करवाते थे, खेत में फसल भी कटवा लेते थे और कोई अपने खेत में पंपिंग मशीन लगाया है ना पानी डालने के लिए, क्योंकि बिजली तो आती नहीं थी। सपा बसपा की सरकार में तो क्योंकि वे लोग अंधेरे के पैर, अंधेरा उनको अच्छा लगता है इसलिए बिजली भी नहीं देते थे। बहनों और भाइयों, आज तो बिजली दे दी गई ना, सबको बिजली मिल रही है, बिना भेदभाव के बिजली मिल रही है, सुरक्षा का बेहतर इंतजाम है। पहले लोग गौ तस्करों को और गौ कसी करने वालों को प्रश्रय देते थे, किसान के घर में बंधी हुई गाय कोई कसाई रात्रि में खोल करके लेके चला जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। समाजवादी पार्टी के रामपुर के एक नेता की भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस लगाई जाती थी लेकिन किसान के लिए नहीं लगाई जाती थी। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। देखो, पिछली बार तनिक गलती रह गई अमरोहा में, क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। अमरोहा के ढोलक की थाप कमजोर पड़ गई थी, जो सांसद बना उसका संसद में चरित्र किस रूप में, भारत माता का भी जयकार करने में उसको संकोच हो रहा था। क्या ऐसे लोग संसद में जाने चाहिए क्या, जो भारत माता को मां कहने में संकोच करते हो, खाएंगे यहां का। और तब भी जो धरती माता हमें अन्न देती है, जो धरती माता हमें आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है, जिस धरती माता के साथ हमारी पुरखों का संबंध है, उस धरती माता का जय जयकार करने में भी उन्हें संकोच होता है। क्या वह व्यक्ति संसद में जाने लायक है क्या, तो फिर इस सपा कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया है। गलत व्यक्ति को चुनेंगे तो चुनाव में वोट आपका एक अधिकार है, इस वोट की कीमत का एहसास कराइए, कहिए जो भारत माता का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। सहमत है ना, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना ये काम। और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की आवाज है, इसलिए है क्योंकि देश ने देखा, बदलते हुए भारत को देखा, बदलते हुए भारत को देखा, और बदलते हुए भारत में आप सबको सहभागी बनाने के लिए आज हम सब आए हैं आपके पास। कंवर सिंह तंवर वह आपके बीच में कार्य करने वाला एक सामान्य योग्य एक योग्य कार्यकर्ता के रूप में बेझिझक कार्य करता है। जहां पुकार लो, जब पुकार लो, कहीं कोई समस्या नहीं, कोई अहंकार नहीं। सांसद थे तब भी, नहीं थे तब भी गरीब कन्याओं की शादी करने में योगदान देते थे, हर प्रकार के कार्यक्रमों के जनता के साथ जुड़े रहते थे। और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। कंवर सिंह तंवर एक योग्य प्रत्याशी के रूप में, लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में आपके पास आए हैं। आप सभी सहमत हैं उनके प्रति, सभी लोग हैं। बहनों और भाइयों, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को यहां चुनाव होना है और चुनाव के दौरान ये अपेक्षा करना कि प्रत्याशी घर घर आए ये कठिन हो जाता है। उनके बाद एक कार्य होते हैं, चुनाव की बात दोहराइए लेकिन चुनाव के दौरान तो आप सबको स्वयं भी चौधरी कंवर सिंह तंवर बनना पड़ेगा और मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा।
एक एक वोट को चुनाव के दिन 26 अप्रैल के दिन मतदान स्थल पर ले जा करके वहां पर चुनाव में भागीदार बनना है। सहमत है इसके लिए? सभी लोग सहमत हैं? और बहनों भाइयों, इसी के लिए हम लोग आए हैं। और अब तो इस विधानसभा में तो कहना ही क्या, सोने में सुहागा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल और आरएलडी का नल, यानी आरएलडी का नल और कमल दोनों मिल गए तो फसल तो खिलखिलानी ही है, लहलानी है। सभी सहमत है ना? तो बहनों भाइयों, अमरोहा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह तंवर को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे मैं करने के लिए आया हूं। आप भारी बहुमत से उन्हें विजयी बनाएंगे, देश की संसद में जाएंगे, नए भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में उनका भी योगदान होगा, हापुड़ का भी योगदान होगा, अमरोहा लोकसभा सीट का भी योगदान होगा। इस विश्वास के साथ आप सब अभी से जुटे, कंवर सिंह तंवर को भारी बहुमत से विजयी बना करके मोदी जी को हम लोग 4 जून को 80 मनकों की माला यूपी से पहनाएंगे, उसमें अमरोहा लोकसभा का योगदान होना चाहिए। आप सब सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, जहां तक आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।